मेरा नाम शंकर नारायण दत्ता है। मैं रुधासा किशनगंज का निवासी हूं। मैं भारतीय स्टेट बैंक का कर्मचारी हूं। फिलहाल मैं कादो गांव ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत जो पड़ता है वहां पर पोस्टेड हूं। सीनियर स्पेशल असिस्टेंट जो क्लरिकल कैडर है उस कैडर पर मैं कैशियर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मेरा शौक़ रहा है शतरंज खेलने का। मैं जब मैट्रिक में था तब मैंने शतरंज को सीखा, खेला और मुझे लगा कि अच्छा खेल है, इंटेलिजेंट खेल है, इसे सबको खेलना चाहिए। अब मैंने इसको फैलाने का काम किया। हमारा उद्देश्य यह है कि सारे बच्चे, सारे लोग, खासकर के स्टूडेंट चेस ज़रूर खेलें। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन का गेम है, ये आईक्यू का गेम है, ये एडवांस प्लानिंग सिखाता है, कंसंट्रेशन सिखाता है, सोशल इंटरेक्शन सिखाता है, काफ़ी कुछ सिखाता है, गहराई इसमें काफ़ी। और ख़ास करके एक ऐसा खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल है जिसमें हमारे विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व चैंपियन बन चुके हैं, पूरे विश्व में अपना सानी, अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो निश्चित रूप से हम जो बाकी लोग हैं उनका भी प्रयास होना चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा करें, बेहतर से बेहतर करें, जिला से राज्य, राज्य से राष्ट्र, राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम पाएँ। आज मैंने ठाकुरगंज प्रखंड में 5 गाछी एक गाँव है, वहाँ पर एक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय 5 गाछी जो जिया पोखर लाइन में पड़ता है, पोवाखाली से करीब 2-3 किलोमीटर दूर है, आगे है, तो एक अच्छी सी विद्यालय है। मैं पहली बार वहाँ गया, काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ गाछी गाछ है, इसलिए 5 गाछी नाम भी सार्थक लगता है। वहाँ के करीब 400 बच्चे वहाँ पर हैं और इसका 2 दिन का प्रोग्राम हुआ। कल हमने सबको प्रशिक्षित किया। मैं तो खुद बैंक मुलाजिम हूँ तो ज़्यादा समय दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ चलता हूँ। हमारे साथ और भी जो लोग हैं, सेकंड मैन, थर्ड मैन, उनको मैं डिप्यूट करता हूँ, उनको जो भी नॉमिनेशन देना है मैं देता हूँ और उनके द्वारा मैं काम को करवाता हूँ। तो कल सुधांशु सरकार जी, हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के, उन्होंने 400 बच्चों को प्रशिक्षित किया और आज उन बच्चों के बीच शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आज हमने 4 ग्रुप में खेल करवाया, बॉयज़ और गर्ल्स, और दोनों में जूनियर और सीनियर विभाग, तो कुल 4 विभाग में खेल करवाया। खेल के उपरांत प्रथम, द्वितीय, तृतीय इनको पारितोषिक के तौर पर एक एक शतरंज ही हमने भेंट की ताकि वो खेले और उसको सीखे। मेरा मानना है कि काफ़ी अच्छा ये संस्कार भी है कि इट इज़ वेरी गुड कल्चर। इसीलिए गुड कल्चर है कि अगर हम समाज के बच्चों को कुछ अच्छा नहीं दे पाते हैं कुछ भी, तो हमारे समाज के बच्चों के पास डिटोरिएशन, अधपतन के बहुत सारे रास्ते हैं। छोटे उम्र में घर में टीवी के रिमोट पर लोग कब्जा करते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मोबाइल पे कब्जा करते हैं, और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस नशे में लोग फंस जाते हैं। लेकिन सर, चेस के बारे में कहा जाता है कि ये भी इस खेल में भी नशा है, क्या कहते हैं? जी, एकदम सही है, नशा जरूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक चाकू कभी अपने आप में ख़राब नहीं हो सकता है। जब वो क्रिमिनल के हाथ में पहुंचेगा, उस चाकू से किसी का खून करेगा, वध करेगा, नुकसान करेगा। एक डॉक्टर के हाथ में पहुंचेगा तो उसे किसी का गोली निकाल कर उसके जान को बचाएगा। उसी प्रकार शतरंज खेल नशीला जरूर है, लेकिन इसको अगर पॉजिटिव यूज करें तो आप विश्वनाथ आनंद भी बन सकते हैं, आप देश का गौरव, देश का मान ऊँचा कर सकते हैं, आप सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी और सबसे बुद्धिमान खिलाड़ी कहला सकते हैं। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी जो ये उपलब्धि है, आपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो किया है, इसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं यहाँ की जो प्रशासन है, आपको विशिष्ट नागरिक सम्मान से भी जो है आपको नवाजा जाना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप उस सम्मान को लेने के लिए नहीं गए? ऐसा है सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा जिला प्रशासन का। ये वर्ष 2008 की है जब एम सर्वनन जिलाधिकारी हुआ करते थे, वो भी चेस लवर थे, उनका बेटा भी चेस खेलता था, वो स्टेट खिलाने के लिए गार्जियन के तौर पर गए थे, वो समझते थे चेस क्या चीज़ है जी। तो उनके समय में मेरा नॉमिनेशन हुआ विशिष्ट नागरिक सम्मान के लिए, गणतंत्र 26 जनवरी, हाँ, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। लेकिन मैंने उस समय भी जिला प्रशासन को कह दिया था कि सम्मान लेना मेरा उद्देश्य नहीं है, मुझे ये थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, मैं सम्मान लेने के लिए कुछ नहीं किया जी, मैं अपने खुशी से कुछ किया, मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें होना चाहिए तो मैंने किया। तो इसका यह नहीं मतलब है कि आप मुझे सम्मानित करेंगे और मुझे जाना चाहिए आपका सम्मान लेने के लिए। मैं आभार प्रकट जरूर करता हूं कि आपने मेरे बारे में सोचा, मैंने वहां भी विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया था कि मैं नहीं जाऊँगा और अंततः मैं गया भी नहीं। मेरा नाम अनाउंस हुआ स्टेडियम में और मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर सैयद हसन और रौतमल अग्रवाल जी, मुझे भी बहुत खुशी है, मुझे बोलते हुए इतनी सीनियर लोगों के साथ मुझे भी एक पंक्ति में बैठाया गया, ये बहुत गर्व की बात है। चलिए सर, बात ख़त्म करने से पहले आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सीमांचल किशनगंज जहाँ हम रहते हैं, सीमांचल की जब बात करते हैं, ये हर एतबार से बहुत ज़्यादा पिछड़ा है।
ऐसे इलाके में पिछले 20-22 साल से मुसलसल आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको आने वाले दिनों में आपकी इस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आपका जाता है, खुशी होगी आपको? कैसा महसूस होगा, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नाम जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन मुझे नहीं जाना है कहीं पर किसी सम्मान को लेने के लिए। क्या बात कर रहे हैं, मतलब तब भी आप नहीं जाएंगे वहाँ पे? यानी आप कहीं ना कहीं, आपके लिए अवार्ड माना नहीं रखता है, आपके लिए माना ये रखता है कि आप जो चीज़ दे रहे हैं उससे सोसाइटी को कुछ मिले। बस आप संतुष्ट हैं, आपके दिल में हमारे लिए कुछ जगह है, मुझे प्रसाद मिल गया, मुझे आशीर्वाद मिल गया, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए।